भाई ऋतिक जो हर साल टॉप करता है। सही बोल रहा है यार, यूथ फेस्ट में भी लेके गया था, अब तो वो एकेडमी में भी लेके गया है। हर जगह वही कर रहा, अपना पता नहीं क्या ही होगा। हर बार की तरह साला यहाँ भी आ गए वहाँ भी आ गए। अरे नहीं भाई, कल का मैच का प्रैक्टिस है बस भाई। कल भी मतलब ट्रॉफी ले ही जाएगा, देखते हैं क्या होता है। चल अबे जा रहे हैं, लेट हो रहा है ना, कल मिलते हैं। ठीक है, मेरा तो थोड़ा और प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, बाय रहेगा ना। हो गया, अच्छा अच्छा हो गया। क्यों रे, रिजल्ट आने वाला था ना तेरा? थैंक यू। अब बता क्या करना है, आगे क्या सीन? बस कल बास्केटबॉल मैच है, वही खेलने आना। चल ठीक है, फिर बता दियो मेरे को। ठीक है, कल सुबह उठा दीजिएगा। ठीक, उठा दूंगा फिर। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैंने तो ऋतिक को दोबारा खेलने ना दीजिए, अभी उसके पैर में काफ़ी सीरियस इंजरीज हैं, और अगर वो अभी खेलता है तो देयर कैन बी अ चांस कि वो परमानेंट डैमेज हो जाए और वो शायद कभी दोबारा चल भी ना पाए। सो प्लीज़ मैम, आप काफ़ी प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है आपको।
जाकर ये किस्मत थी तेरी, गिरकर भी उठा तू, ये जिद है तेरी, ये जज्बा है तेरा, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, ये जिद है तेरी, ये जज्बा है तेरा।